हे गाइस, व्हाट्स अप? वेलकम, अ वार्म वेलकम टू यू. चलिए शुरुआत करते हैं आज ज्योग्राफिकल थिंकिंग ऑफ कांत. पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्नियस के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, ठीक है? इनफैक्ट बर्नहार्ड वर्नियस के बारे में ये रहा आपका स्लाइड जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास तक देखा था. बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे इमैनुअल कांत के बारे में. नाउ इनकी जीवनी देख लीजिए. 18 सेंचुरी से इनिशियल फेज ऑफ 19 सेंचुरी तक ये रहे थे बेसिकली, ठीक है? सो बेसिकली इनका जो काम कन्फाइंड था 18 सेंचुरी में ही, प्रीडोमिनेटली इनका काम बहुत ज्यादा कन्फाइंड था, ठीक है? सो एनीवेज चलिए शुरुआत करते हैं. इमानुअल कांत 1724 में इनका जन्म हुआ था ईस्ट प्रूशिया, दैट इज अभी के रशिया में, ठीक है? ये बहुत बड़े फिलोसोफर थे. जी हाँ, फिलोसोफर ही नहीं, इनफैक्ट इनकी एस्ट्रोनॉमी में, जियोलॉजी, ज्योग्राफी में, सब में बहुत ही ज़्यादा पकड़ थी. दोस्तों पिछले क्लास में आपको याद होगा हम लोगों ने फॉस्टर के बारे में चर्चा किया था, है ना? उनका कंट्रीब्यूशन देखा था और हम लोगों ने ये भी बोला था दैट ये जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते थे, ट्रैवल करके जो है डेटाज को इकट्ठा करके उन चीज़ों को बेसिकली अध्ययन करते थे. तो ये ट्रैवलर थे काइंड ऑफ, ठीक है? बट कांत ट्रैवलर काइंड ऑफ नहीं थे. वो ही वॉज एन आर्मचेयर ज्योग्राफर. आर्मचेयर ज्योग्राफर मतलब चेयर में बैठते थे, आराम से डेटा को इकट्ठा करते थे और उसके ऊपर एनालाइजेशन करते थे. समझ रहे हो मेरा बात? तो इसीलिए उनको आर्मचेयर ज्योग्राफर कहा जाता है. नाउ इमानुअल कांत के आधार पर इंपेरिकल ज्योग्राफी जो था ना, इंपेरिकल नॉलेज जो ज्योग्राफी में है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कोई भी फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि उनके जो वर्क है काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल थी. तो ऑफकोर्स फिलोसफिकल वर्क अगर आप लिखोगे तो उसके लिए इंपेरिकल नॉलेज तो चाहिए ना भाई. तो इंपेरिकल नॉलेज जो है ये काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा करते थे दूसरों से. ही यूज टू एक्यूमुलेट एंड ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन डिफरेंट जगह से, और इंफॉर्मेशंस को, इंपेरिकल नॉलेजेस को इकट्ठा करते थे और उस पर जो है आराम से चर्चा वर्चा करते थे. बेसिकली इनका ये मानना था दैट ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट जो है ये बिल्कुल डेवलप ठीक से नहीं हुआ है, ठीक है? उसको और भी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से डेवलप करने की जरूरत है. तो एज सच ये नहीं है दैट इन्होंने सिर्फ आर्मचेयर ज्योग्राफर थे, सिर्फ यही करते थे. इनफैक्ट इन्होंने ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स जो तब के समय एग्जिस्ट कर रही थी ना, जैसे अर्थ के रोटेशन के कारण विंड डिफ्लेक्ट करती है, तो ये सब भी काफ़ी, मतलब एक ही डोमेन में इनका बेसिकली स्पेशलाइजेशन नहीं था, ठीक है? एक डोमेन में ही, एक पर्टिकुलर सब डोमेन में नहीं थे, डिफरेंट अदर सब डोमेन में भी ये बेसिकली खंगालते थे उन चीजों को, ठीक है? ही पुट एन एंड टू एरिस्टोटलियन एरा. नाउ हम लोगों ने पढ़ा था ना ये ग्रीक ज्योग्राफर थे एरिस्टोटल, याद है ये वाला जो हम लोगों ने स्लाइड देखा था एरिस्टोटल वाला, जब हम लोगों ने ग्रीक वाला पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था दैट एरिस्टोटल जो है ना वो लॉज बनाते थे. ही यूज टू बिलीव इन मेकिंग ऑफ लॉज एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, एंड बेसिकली इनका जो फोकस था वो इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर था, ठीक है? अब अभी तक जो है ना वही चला आ रहा था, है ना? लॉज के आधार पर ही चीजें जो है बेसिकली मैनिपुलेट हो रही थी, है ना? बट जैसे जैसे इमैनुअल कांत आए ना, वैसे एरिस्टोटलियन एरा को जो है कहीं ना कहीं इन्होंने एंड कर दिया. क्यों भाई? क्योंकि ये जो है एक्सप्लेन, कोई भी फिनोमिना को अगर एक्सप्लेन करते थे उनको क्रोनोलॉजिकली करते थे, ठीक है? कोई भी उन, ये ज्योग्राफी को हिस्ट्री के एंगल से देखते थे, है ना? क्रोनोलॉजी के एंगल से देखते थे. इनका ये मानना था दैट हिस्ट्री, ये जो हमारा पूरा दुनिया जो है ना, ये एक, से फॉर एग्जांपल एक टाइम पीरियड है, हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, एक ये पर्टिकुलर हिस्टोरिकल टाइम पीरियड है. इस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल टाइम पीरियड में भी कोई ना कोई ज्योग्राफी तो रहा ही होगा, है ना? जैसे हम लोग क्रोनोलॉजिकली देखे, जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ी होगी, एक दूसरा भी हिस्टोरिकल पीरियड आया होगा जिसमें भी ये ज्योग्राफी में थोड़ा जो है सुधार आया होगा, ठीक है? तो ये बेसिकली ज्योग्राफी को हिस्ट्री के एंगल से क्रोनोलॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे. इनका ये मानना था दैट ज्योग्राफी कोई भी रीजन का जो होता है ना वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उस रीजन के ह्यूमन सिविलाइजेशन को डिटरमाइन करने में, जो कि एक्चुअली सही भी है. आप खुद ही देखो ना, आप ले लो पहाड़, पहाड़ के लोगों का रहन सहन और प्लेन के लोगों का रहन सहन डिफरेंस है क्या? नहीं भाई, है? साउथ इंडिया में लोगों का रहन सहन, नॉर्थ इंडिया में लोगों का रहन सहन बहुत डिफरेंस है.
ठीक है। तो ओवरऑल इनका ये मानना था दैट ज्योग्राफी ऑफ अ कोई भी प्लेस जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ह्यूमन सिविलाइजेशन के प्रोग्रेशन के लिए, ठीक है। कांत जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी में जो भी उन्होंने अध्ययन किया बेसिकली, उनका ये मानना था दैट ये फिजिकल ज्योग्राफी जो है एंथ्रोपोसेंट्रिक होता है, दैट इज क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन का बहुत ही एक मेजर रोल होता है। दैट इज देखो यहाँ पे इन्होंने बोला दैट ज्योग्राफी जो है ना वो ह्यूमन सिविलाइजेशन को मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन के चेंजिंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बोला दैट फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक है। क्यों भैया? क्योंकि ये ऐसा मानते थे ना दैट नेचुरल प्रोसेस के कारण तो ज्योग्राफी होता ही है। जो भी हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जो भी हम विजिबल फीचर्स हम देख रहे हैं हमारे अर्थ में, वो नो डाउट नेचुरल प्रोसेस के लिए तो है, ये तो हम लोग सबको ही जानते हैं। बट इसमें ह्यूमन एक्शन भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऐसा कांत का मानना था। इनके आधार पर इंपेरिकल नॉलेज जो था ना, वो इनका मानना था दैट इंपेरिकल नॉलेज जो है हम अटेन कर सकते हैं कैसे कैसे, थ्रू प्योर रीजन। ऑफकोर्स कोई भी चीज को प्योर रीजनिंग के बेसिस पर तो कुछ भी हम लोग अटेन कर ही सकते थे, बट मेन चीज जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाला है वो है सेंसेस। दैट इज इनका मानना था दैट हम जो है अपने इनर सेंस और अपने आउटर सेंस के हेल्प से हम इम्पिरिकल नॉलेज को आराम से अटेन कर सकते हैं। मतलब एज सच ये हमें जरूरत नहीं है दैट प्योर रीजनिंग ही चाहिए, हम कोई भी चीज को देखकर भी उस चीज को एनालाइज करते हैं। इनर सेंसेस जो है इन्होंने बोला दैट भैया देखो इंसान जो है ना इनर सेंसेस को अपने इनर सेंसेस के थ्रू कोई भी रीजन को आराम से मैनिपुलेट कर सकता है। मैनिपुलेट इन द सेंस क्या, कोई रीजनिंग प्रोवाइड कर सकता है। वैसे ही आउटर सेंस को इन्होंने माना नेचर, दैट इज इन्होंने बोला फिजिकल ज्योग्राफी जो हम लोग देखते हैं उसके आधार पर भी जो है जैसे पहाड़ पठार ले लो, मैदान ले लो, जो हम लोग देखते हैं उसके आधार पर हम लोग डिडक्टिव रीजनिंग करते हैं। उसी के आधार पर इनर सेंसेस जो क्या इंसान के भीतर के सेंसेस है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं बेसिकली, और इन्होंने ज्योग्राफी को एंथ्रोपोलॉजी से रिलेट करके भी काइंड ऑफ देखा ही था, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला दैट देखो भैया हम लोग नॉलेज को जो है डिफरेंट अदर वे से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। दैट इज पहला है लॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है फिजिकल क्लासिफिकेशन। लॉजिकल क्लासिफिकेशन में इन्होंने कैटेगराइज किया डिफरेंट आइटम्स को ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज मतलब जैसे शेप में अगर सिमिलैरिटीज हो ना, यहाँ पर शेप में सिमिलैरिटीज क्या लूंगा, यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल मतलब आप इसको रिलेट कर सकते हो थ्रू ज्योग्राफिकल टर्म्स ही रिलेट कीजिए। जैसे एनिमल, एनिमल को हम लोग ज्योग्राफी का सबसेट हम लोग मान सकते हैं एज ए जूलॉजी, ठीक है। रॉक्स का अध्ययन को हम लोग जियोलॉजी के अंडर कंसिडर कर सकते हैं, सोशल ग्रुप के अध्ययन को हम लोग सोशियोलॉजी के अंडर कंसिडर कर सकते हैं, समझ रहे हैं ऐसा होता है। दूसरा है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में इनका मानना था दैट देखो भैया हम कोई भी आइटम्स को कैटेगराइज कर सकते हैं विच बिलोंगिंग टू द सेम टाइम एंड स्पेस। दैट इज इन्होंने असर्ट किया दैट द हिस्ट्री डिफर्ड फ्रॉम ज्योग्राफी। इनका ये बोलना था दैट देखो भाई हिस्ट्री जो है ना वो ज्योग्राफी से डिफर करता है ओनली इन दैट वाइल द फॉर्मर वॉज रिलेटेड टू टाइम। मतलब कैसे डिफर करता है ये भी इन्होंने बोला दैट देखो हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो डिफर करता है ना सिर्फ एक ही दोनों में डिफरेंस है, जैसे कि मैंने वो टाइम फेज वाला बोला था ना, याद आ रहा है? तो इनका बोलना था देखो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, स्पेस का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस, नहीं स्पेस का तो नहीं, सॉरी टाइम का डिफरेंस है ना। स्पेस तो एक ही स्पेस का मैं बोल सकता हूँ, सोचो ये अगर स्पेस S1 है, ये भी स्पेस S1 का ही मैं बात कर रहा हूँ, बट यहाँ पे अगर टाइम T1 है तो यहाँ पर टाइम T2, ठीक है। तो मेनली जो है इन्होंने बोला ज्योग्राफी और हिस्ट्री में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, स्पेस सेम है, बट जो फैक्टर डिफरेंस जो है वो टाइम का डिफरेंस है। सिर्फ उन्होंने टाइम के डिफरेंस को ही बेसिकली देखा। इन्होंने बोला दैट हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही जो है इंपेरिकल नॉलेज का इंटायर गैमेट जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी द्वारा ही बना जाता है। हिस्ट्री किसको फोकस करता है, टाइम को, और ज्योग्राफी उस पर्टिकुलर स्पेस को। दैट इज इसका मतलब हम लोगों ने यही ना समझा दैट ये जो इंपेरिकल नॉलेज है ये हम लोग टाइम और स्पेस के आधार पर एनालाइज कर सकते हैं, इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, है ना, वही चीज यहां पर लिखा हुआ है।
है ना, वही चीज यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा, दैट हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है वही इंटायर गैमट ऑफ इंपेरिकल नॉलेज बनाता है, मतलब. और हिस्ट्री किससे डील करता है, टाइम से मेनली, ज्योग्राफी किससे डील करता है, स्पेस से. वही चीज तो हम लोगों ने देखा ना भाई, देखो हिस्ट्री जो है ये टाइम से डील कर रहा है, ठीक है, ये H1 H2, तो हिस्ट्री जो है टाइम से डील कर रहा है, और कोई भी रीजन का, यहाँ पे सोचिए ज्योग्राफी, इसी रीजन का मैं ज्योग्राफी ले लेता हूँ, ठीक है, ये वाला जो है ज्योग्राफी, कोई इस रीजन का ज्योग्राफी, इस रीजन का ज्योग्राफी अलग है, इस रीजन का ज्योग्राफी शायद अलग है, ठीक है. तो ज्योग्राफी किससे डिफर किया है, स्पेस से, क्योंकि यहाँ का इस रीजन, ये रीजन वाइज अगर देख लीजिएगा, स्पेशियल डिफरेंशिएशन यहाँ पे हमें क्लियरली दिखता है, राइट. साथ ही साथ उन्होंने ये भी असर्ट किया दैट ये जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है ना, ये एग्जिस्ट कर रहा था थ्रू आउट द पीरियड, और ज्योग्राफी जो है ये एक सबसेट है हिस्ट्री का और कुछ नहीं. कांत ने स्पेस के बारे में कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने बोला स्पेस जो है ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है, ये बेसिकली आप मेंटल कंस्ट्रक्ट के हिसाब से आप स्पेस को एनालाइज कर सकते हो, आप एक पर्टिकुलर रीजन में इस पूरे को भी एक स्पेस मान सकते हो, ठीक है, इसको ही जो है तीन स्पेस में भी क्लासिफाई कर सकते हो, S1 S2 S3, इसी को दो स्पेस में भी, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, इट इज एब्सोल्युटली अ मेंटल कंस्ट्रक्ट जो क्या गवर्न किया जाता है बाई अनचेंजिंग लॉज. एंड ही ऑल्सो, कांत ने प्रोवाइड एक फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड किया जिसके थ्रू आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो थिंग्स एंड इवेंट्स, ऑल ऑफ विच कुड बी परसीव थ्रू आउटर सेंसेस. इन्होंने, कांत ने इसको रिगार्ड किया जाता था एज अ फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म. क्यों? क्योंकि पहले जो है जनरलाइजेशन था बेस्ड ऑन मेकिंग लॉज, ठीक है, बट इन्होंने जो है अलग सा ट्रेंड ही स्टार्ट कर दिया है ना, और वो ट्रेंड जो था वो अपोज था ऑफ जनरलाइजेशन. ही डिडंट बिलीव द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइजेशन, रादर ही बिलीव द थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ बेसिकली स्पेशल फिनोमिना जो कि वहां पर पर्टिकुलरली एग्जिस्ट कर रही है. नाउ हम लोगों ने देखा 18th सेंचुरी जो है, 19th सेंचुरी के इनिशियल फेज में कांत नहीं रहे, ठीक है, बट 19th सेंचुरी में जो है जर्मनी में जितने सारे उनके चेले थे, ठीक है, उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट को रेज किया विच वॉज नियो कांतिज्म, ठीक है. नियो कांतिज्म में क्या था, ऑन द वन हैंड नियो कांतिज्म डील विथ, मतलब नियो कांतिज्म एक लाइन ड्रॉ कर रहा था बिटवीन हिस्टोरिकल और कल्चरल साइंस, जिसको हम डील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोमोथेटिक ऑन द बेसिस ऑफ लॉ मेकिंग अप्रोच, ठीक है, बट वहीं पर दूसरे हैंड में जो है नेचुरल साइंस था विच कैन बी डील ऑन द बेसिस ऑफ जर्नलिस्टिक, दैट इज इडियोग्राफिक अप्रोच, नोमोथेटिक इडियोग्राफिक, लॉ मेकिंग एंड जर्नलिस्टिक. नोमोथेटिक मतलब लॉ मेकिंग, मैंने बोला ना, नोमोथेटिक को हम लोग डिडक्टिव अप्रोच भी बेसिकली बोलते हैं. इस नोमोथेटिक क्या बोलता है ना, कोई भी रिलिवेंट लोकेशन या फिर कोई भी ऑब्जर्व फिनोमिना ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो है एक कान लॉज का स्टैब्लिश करने को बोला जाता है, ठीक है, और उस कानून, दैट इज कोई भी लॉ को हम लोग डिडक्ट करके, ठीक है, कोई भी अपना संज्ञान देते हैं, दैट इज कोई भी हम लोग थ्योरीज जो देते हैं उस लॉज के आधार पर दिया जाता है, और इडियोग्राफिक बोला जाता है. इडियोग्राफिक बोलता है नहीं भाई, हम लॉ नहीं बनाते हैं, बल्कि हम ये फोकस करते हैं ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्टिकुलर प्लेस, कोई पर्टिकुलर प्लेस का अध्ययन करके उनके डिस्क्रिप्शन बोली जाती है ऑफ देयर डिफरेंट फिजिकल फीचर्स जैसे लैंड सीज एंड प्लेसेस, एंड अटेम्प्टेड टू फाइंड इट्स रिलेशन विद अदर प्लेसेस एज वेल. अगर हम ये पूरा कांत का इवेल्युएट करें तो उससे हमें क्या मिलता है, दैट कांत जो है सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी ही नहीं बल्कि डिफरेंट अदर ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी में भी उनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, और उन्होंने अपना जो महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने बेसिकली दिया था. क्या क्या भूमिका था भाई, सबसे पहला मैथमेटिकल ज्योग्राफी के बारे में अगर चर्चा करें तो मैथमेटिकल ज्योग्राफी में उन्होंने इन्होंने डील किया था शेप साइज एंड फॉर्म ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ और अर्थ का पोजीशन इन सोलर सिस्टम. बेसिकली मैथमेटिकल ज्योग्राफी में उनका कंट्रीब्यूशन था, उनका पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन था, उनका कमर्शियल ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, तो डिफरेंट अदर फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी में भी उनका कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा था. तो ओवरऑल कांत ने जो है ना, इमैनुअल कांत ने, उन्होंने ज्योग्राफी को एज अ सेंट्रल पोजिशन अमंग डिफरेंट साइंटिफिक सब्जेक्ट उन्होंने प्लेस किया. मतलब कांत का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था इन प्लेसिंग द ज्योग्राफी मोर साइंटिफिक, इन मेकिंग ज्योग्राफी मोर साइंटिफिक. मॉडर्न टाइम्स में अगर देखिएगा, द डेवलपमेंट ऑफ पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच जो है ना ऑफ द फ्रेंच एंड ह्यूमन ऑफ द फ्रेंच स्कूल, मतलब
मॉडर्न टाइम्स में भी बोला जा रहा है दैट फ्रेंच स्कूल का जो पॉसिबिलिटिक पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच है या फिर ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी हम लोग जो पढ़ने वाले फ्यूचर में, तो वो बहुत हद तक कांत के फिलोसफी के ऊपर ही जो है बेस्ड है। इन हिस पीरियड, कांत के पीरियड के समय जो है बहुत सारे ज्योग्राफर्स जो है ना फॉलो करते ही थे कांत के प्रिंसिपल्स को, क्योंकि कांत ने क्या बोला था दैट ह्यूमन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंस होता है ऑन डिस्क्राइबिंग द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो डिफरेंट अदर स्कॉलर्स भी जो थे ना उस समय ज्योग्राफी के, उन्होंने भी कांत के ही इस थ्योरी को काफी हद तक फॉलो किया था। ओवरऑल कांत को क्रेडिट दिया जाता है दैट ही ब्रॉट टू एन एरा, ब्रॉट द एरा ऑफ ट्रेडिशनल थिंकिंग। बेसिकली ट्रेडिशनल थिंकिंग के एक एरा उन्होंने ले आया, और इस एरा के बाद है ना, इसके बाद जितने भी सारे स्कूल्स ऑफ हम लोग ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, सो बेसिकली एक डायरेक्शन, एक प्लेटफॉर्म रख दिया कांत ने। ठीक है, और उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए जो है फ्यूचर में भी डिफरेंट अदर डिसिप्लिन जो है वो कांत के थ्योरीज के बेसिस पे ही, कांत के एक्सेप्शनलिस्टिक ज्योग्राफी के जो थ्योरीज है उनके आधार पर ही बेसिकली डिडक्ट किया गया इन फ्यूचर डिसिप्लिन्स एज वेल, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इमानुअल कांत का अप्रोच, एंड विद दिस गाइस ये लेसन यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, एंड प्लीज नीचे में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक है सबका, तो मेक श्योर दैट आपको कोई भी अगर लेसन खोजने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो सिंपली आप प्लेलिस्ट में जाकर उस लेसन को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।